बच्चों, कल तक हम इस अभ्यास के जो विद्युत धारा वाला अध्याय था उसके 5वें क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज हम 6ठे से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तार का व्यास दे रखा है जिससे कि हम वो क्षेत्रफल निकाल लेंगे अनुप्रस्थ काट का। प्रतिरोधकता दे रखी है और उसका प्रतिरोध भी दे रखा है और पूछा क्या है, लंबाई पूछिए। देखिए सवाल आप लोग पढ़ लें कि तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर, प्रतिरोधकता दे रखी है जो कि धातु पर निर्भर है। ये मैंने कई बार आपसे बोला, धातु के प्रकार पर निर्भर है। तो इस तरह के तांबे के तार से यदि 10 ओम का प्रतिरोध बनाना हो तो तांबे के तार की लंबाई वो आपसे जानना चाहता है। सूत्र तो यह ही सही, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो R का मान 10 लग दिया, रो का मान यहां से आ ही जाएगा 1.6 × 10⁻¹। लंबाई तो आपसे पूछी है भाई, लंबाई तो निकालनी है। ठीक है जी, एरिया रखते हैं। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आज जैसे यही पैन है इसका, ये क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा आपका, 3.14 पाई। अब रेडियस रखनी है, पर यहां पर क्या दे रखा है, आपका व्यास दे रखा है। ठीक है जी, तो व्यास का आधा होगा ना त्रिज्या। तो ठीक है, व्यास का आधा होगा त्रिज्या, और इन सबको भी अपने को मीटर में बदलना होता है। तो मिलीमीटर में दे रखा है क्योंकि ये मीटर में, तो अपन मीटर में ही इसको बदलेंगे। तो 0.5 का आधा करके तो आपको मिल गई है क्या, त्रिज्या। फिर त्रिज्या भी किस में दे रखी है, मिलीमीटर में। तो हमको क्या करना होगा, उसको मीटर में बदलना होगा। तो किससे गुणा करना होगा, 10⁻³। इसका क्या आएगा, स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है आपको सूत्र समझ में आया होगा, एरिया क्या होता है या क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। व्यास को डी से दिखाते हैं। ठीक है जी, और ये तो बहुत छोटी सी बात है कि भाई 1 मीटर के अंदर क्या होते हैं, 1000 मिलीमीटर। इसलिए 1 मिलीमीटर के लिए क्या होगा, ये 1/1000 हो जाएगा वो। ठीक है जी, तो इसको आप यहां पर रख लें और गुणा भाग कर लें तो आपको L का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें। तो प्रश्न यही था, तांबे के तार का ब्यास दे रखा था 0.5 mm, प्रतिरोधकता दे रखी थी 1.6 × 10⁻¹ ohm। तो 10 ohm प्रतिरोध का प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। वैसे ही मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई किताब तो आप लोग लेके आए ही करो, कि मान लीजिए यहाँ पर आपको थोड़ा सही ना भी दिख रहा हो तो कम से कम किताब तो आपके हाथ में हो, कुछ बच्चे तो लेके आए ही करो। अब वो कह रहा है कि इससे दुगने व्यास का तार ले लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। यानी अगली बार कह रहा है कि भाई वो लंबाई तो उतनी रखो बट व्यास को दुगना कर दो। तो भाई हम यहां देख चुके हैं सूत्र से ही कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, और क्षेत्रफल जो क्या होगा, किस पे निर्भर है, व्यास के वर्ग पर। समझ रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या हुआ, वही पाई आर स्क्वायर, या आर की जगह आप क्या लिख देंगे, त्रिज्या की जगह क्या लिख देंगे, व्यास। तो व्यास का स्क्वायर। समझ रहे हैं, तो यहां पर यानी कुल मिलाकर व्यास का वर्ग आएगा आपका। तो वो क्या कह रहा है कि भाई दुगना व्यास कर दिया, तो इसको यदि आपने दुगना कर दिया यानी डी की जगह मान लो आपने 2D कर दिया, तो उसका स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 2D का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4D स्क्वायर। तो ये कितने का फैक्टर आया, 4 का। तो व्यास को दुगना कर देंगे तो प्रतिरोध जो होगा वो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे ही व्यास को दुगना किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पर व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बोल रहा है कि प्रतिरोध पिछले प्रतिरोध का सिर्फ और सिर्फ 1/4 ही रह जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर क्योंकि 1/4 का फैक्टर आ गया तो पुराने प्रतिरोध का सिर्फ 1/4 ही रह जाएगा। अब पुराना प्रतिरोध कितना दे रखा है, 10 ओम, उसको 4 से भाग दे दिया तो
तो कितना आ जाएगा आपका 2.5 ओम। पुराना प्रतिरोध देखो 10 ओम दे रखा है इसने, सवाल को ही देखिए आप, ये रहा। तो 10 ओम का प्रतिरोध है, पर नई स्थिति में व्यास को दोगुना कर दिया, तो व्यास का दोगुना क्योंकि वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 2.5 आ जाएगा आपका। इसको कैलकुलेशन करके देखें आप, और नहीं समझ में आ रही तो ऐसे देख लें भाई, 10 प्रोपोर्शनल टू शुरू का हमने क्या मान लिया व्यास डी। अब नया प्रतिरोध चाहिए आर डैश मान लो, अब वो कितना है 2D का स्क्वायर, क्योंकि व्यास आपने दोगुना कर दिया, दोनों का भाग दे दें। जैसे ही भाग दे देंगे आपको मिल जाएगा ये जो है आपका, तो आर डैश बटा 10 बराबर आपका आ जाएगा ये 1/4। 10 को इधर ले जाएंगे वज्रगुणन करके, ठीक है आगे बढ़ रहा हूं मैं, सातवां क्वेश्चन अब देखने जा रहे हैं अपन। तो कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, कोई प्रयोग किया गया है, उसमें अलग अलग समय पर धारा और वोल्टेज की अलग अलग मान आए हैं, रीडिंग आई है अलग 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 अलग, तो ग्राफ खींच तो आप खींच ही लेंगे भाई। तो बी वर्सेस आई का ग्राफ खींच लीजिएगा, तो ग्राफ में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। प्रतिरोध का मान चाहिए, तो प्रतिरोध क्या होगा आपका V/I, ठीक है जी। तो सबसे पहले V/I करेंगे, यानी 1.6 में 0.5 का भाग दे दो, तो 0.6 में 0.5 का भाग दे दिया तो 3.2 आ जाएगा आपका। तो इस रीडिंग से तो 3.2 आ जाएगा, ऐसे इस रीडिंग से 3.4 आ जाएगा, ऐसे इससे करेंगे तो 3.35 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से करते जाएं, फिर इन सबका माध्य ले दीजिएगा, यानी जितनी भी रीडिंग आया उन सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देना। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 सैंपल लिए ना आपने, तो वो लगभग यही 3.3 के आसपास कुछ आंसर आ जाएगा आपका। तो हर बार BYI करते जाइए, जैसे इसको भी करेंगे तो कितना का 4 3 12 3.3 जैसा, ठीक है। तो ये जितनी भी रीडिंग आ रही है इन सबका आप सामांतर माध्य यानी सबको जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जब प्रयोग करते हैं तो अलग अलग जो भी रीडिंग आती है तो उन सबका अपन इस तरीके से सामांतर माध्य यानी सब मान लो 5 सैंपल है ना, तो 5 बार प्रतिरोध को जोड़ करके 5 से भाग दे देंगे, है ना। ये जो अलग अलग मान आए ना, तो जैसे 3.2 प्लस 3.4 प्लस 3.35 प्लस यहाँ से क्या आएगा 3 से इसको भाग देंगे तो 3 3 9 3.4 प्लस लास्ट वाला कितना है 3.3 ये वाला, बस कितने सैंपल है 1 2 3 4 5 5 से भाग दे दो, उसको सामांतर माध्य कहते हैं। अब हम 8वां सवाल देखेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लें। ये तो बहुत आसान है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी लगाई तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर है, बस मिली एम्पियर है ना, 2.5 मिली एम्पियर, तो प्रतिरोध बताइए। हाँ जी ये तो बहुत आसान है, इसी सूत्र में रख दे रहा हूँ। तो विभवांतर कितना है 12, धारा कितनी है 2.5, और मिली को क्या से लेंगे 10 की पावर माइनस 3, तो जो ऊपर जंप कर जाएगी क्योंकि नीचे घात माइनस में तो ऊपर चली जाएगी, तो वो कितना जगह 12,000, क्योंकि माइनस 3 है ना ऊपर जाके 1,000 बन जाएगा। ये लीजिए एक और दशमलव हटाएंगे ये 0 हो जाएगा, फिर इसको काट लें 25 चौक 100 है ना, 20 बचे 25 8 200, ठीक है तो 25 चौक 100 ये फिर 2 0 लगा लें, इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो गुणा भाग तो देखिए आप खुद करना सीखिएगा, अगला सवाल देखेंगे वो अपन। नौवा भी बहुत आसान है, 9 वोल्ट की बैटरी से ये और 12 ओम है ना, 0.2 ओम 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा लाइन से सबको जोड़ते जाएंगे,
और फिर दूसरी बात, श्रेणी क्रम में धारा भी सब में समान होगी, तो चाहे 12 ओम में निकाल लें, चाहे 0.5 ओम में निकाल लें, किसमें भी निकाल लें, सब में समान धारा बहेगी। तो कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है जी। तो सवाल आप देख लें, आपके पास कॉपी है ही सही, आपके पास बुक है सॉरी। तो 9 वोल्ट की बैटरी और इन सबको जोड़ते हैं तो 5.5, 0.9, 1.4 और 12, तो ये प्रतिरोध हो गया बेटा आपका 13.4 ओम। वोल्टेज आपको दे ही रखी है, बस निकल आया। तो धारा का माना जाएगा वोल्टेज, है ना, वोल्टेज कितनी 9 और प्रतिरोध कितना है 13.4, बस यह धारा आ गई। तो क्योंकि सब श्रेणी क्रम में तो सब में समान धारा बहेगी, तो जो बह रही है ये वो की वही 12 ओम में भी बहेगी। तो सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, जिनमें सब में सारा धारा समान रहती है। तो बहुत आसान सवाल था। 10th देखते हैं, 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर धारा बहे। तो अच्छी बात है, वोल्टेज और करंट तो दे ही रखा है, इससे कम से कम प्रतिरोध मिल ही जाएगा। तो R बराबर क्या होता है, V बाई I, तो 220 बटा ये 5, है ना, वही ओम्सला वाला सूत्र लगा दिया, V बराबर I R। वोल्टेज और करंट पता था, तो यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा, 44 ओम, ठीक है जी। तो प्रतिरोध 44 ओम होना चाहिए, पर यहां पर कितना रखा है, 176 ओम। तो 176 को भी पार्श्व क्रम में जोड़ के देखते हैं, ठीक है, करते हैं शुरू। तो पार्श्व क्रम में जोड़ जोड़ के 176 ओम से 44 ओम तक आना है। चलिए, तो मान लीजिए हम सिर्फ दो ही 176 176 के ले लें, तो इसको आप उल्टा करके जोड़ के देख लेना, इसका आंसर कितना जाएगा, 176/2। तो समांतर में जितने प्रतिरोध होते हैं उससे भाग देते हैं, तो 2 से आया तो ये हो गया 88 पर 88, तो 44 होता नहीं है। 3 करके देखते हैं, यानी अगली बार अपन 3 से भाग दे के देखते हैं। 3 से भाग दे के देखा तब भी आएगा 3 5 15, 3 8 24, तो 58 भी लगभग लगभग 44 के बराबर नहीं होता। तो ये एफर्ट 3 से भी काम नहीं चला, 2 से भी नहीं चला। लाओ 4 प्रतिरोध समांतर में लगा के देखते हैं। तो ऐसे 4 प्रतिरोध, तो ये दूसरा तीसरा, ऐसे 4 प्रतिरोध जब लगा दोगे तो आ जाएगा 176/4। जैसे इसको काटोगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, हाँ हो गया सेट। तो 176 ओम के 4 प्रतिरोध समांतर में आप लगा दें, तो खुद से कैलकुलेशन करके देखिए, 176 ओम के 4 प्रतिरोध आप समांतर क्रम में लगा देंगे तो आपको तुल्य प्रतिरोध 44 ओम मिलेगा, जो कि दिखाई गई परिस्थिति, परिस्थिति क्या कि 220 वोल्ट पर वो 5 एम्पीयर की धारा दे देगा। तो 176 ओम प्रतिरोध के कितने 4 प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में लगा दें। आगे बढ़ते हैं, ग्यारहवा कर रहे हैं, अपनी अपनी किताब देख लें। 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, उनको किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो या फिर 4 ओम हो, ठीक है जी। तो पहला वाला है 9 ओम, तो 9 ओम को अपन 6+3 करके तोड़ लेते हैं, है ना। इसमें हिट एंड ट्रायल ही होता है, इसमें अपने पास ज्यादा कुछ होता नहीं है कि किस तरह से इनको जोड़ना है। तो 9 ओम के लिए आप 6 ओम और 3 ओम के हिस्से में, जैसे 6 ओम तो कैसे आ जाएगा भाई, 6 ओम का एक प्रतिरोध तो आपने ऐसे कैसे लगा ही दिया, ये लीजिए, ये तो एक 6 तो आपने लगा ही दिया। उसके साथ आपने 6 ओम के 2 प्रतिरोध ये सामांतर में लगा दिए, ये लीजिए। तो आप इसको जोड़ करके देखें, इसका आंसर 6 होगा। 6 और 6 का जो सामांतर है वो क्या पैदा करेगा, देखो 2 है ना, तो 2 से 2 दिया 6 है।
देखिए, दो सौ बीस वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुपातांक ये है, यानी उस पर लिख रहा है ये, है ना, रेटिंग बल्ब पर लिखा हुआ है 10 वाट, और विद्युत लाइन कितने पर है, 220 वोल्ट पर। तो इससे ये तो हुई आपकी शक्ति और वो हुई वोल्टेज, तो धारा का मान आ जाएगा, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पेयर ही हो सकती है। तो इस लाइन के तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? तो P और V के मान से हम किसी एक बल्ब की वो शक्ति निकाल सकते हैं। तो मैं आपके आप सर्किट खींच दे रहा हूँ। ये तो हो गया आपका 220 वोल्ट, ये कोई एक बल्ब हो गया, ठीक है जी। तो एक बल्ब पर कितना लिख रहा है, वो कह रहा है कि 10 वाट की तो शक्ति है और 220 वोल्ट के ही लाइन पर वो लगा हुआ है। पर लाइन से जो अधिकतम धारा है ना, इस जगह से अधिकतम धारा I अधिकतम, वो आपकी हो सकती है सिर्फ और सिर्फ 5 एम्पियर। और कितने बल्ब समांतर में जुड़े हैं? अब सारे बल्ब तो समान हैं, तो जितनी धारा इसमें जाएगी ये जाएगी। तो मान लो हमने एन बल्ब जोड़ लिए, ठीक। तो यहां पर बहने वाली पहले अपन धारा निकाल लें, ये I1 मान ली मैंने। तो किसी एक बल्ब से धारा कितनी होगी, P बराबर VI लगा रहा हूं, क्योंकि पावर शक्ति और वोल्टेज दे रखी है। तो I का मान हो जाएगा P/V। तो इस बल्ब की शक्ति कितनी है, 10, और ये कितना है, 220, ठीक है जी। तो ये तो हुई I1, और I अधिकतम कितनी है, 5 एम्पियर, ठीक है जी। तो ऐसी I1 देखें कितने बल्ब लगा लूं, मान ली मैंने N बल्ब लगा लिए, तो क्या होगा, N बल्बों के अंदर कितनी धारा होगी, N इंटू I1, क्योंकि एक बल्ब में है I1, एक बल्ब में कितनी है I1, तो N बल्ब में होगी NI1, और वो सबको कितना होना है मैक्सिमम के बराबर, यानी 5 एम्पियर, ठीक है जी। क्योंकि 5 एम्पियर से ज्यादा धारा आप नहीं ले सकते मेन लाइन से, है ना। तो आइए अब इसमें रखते हैं। तो N यानी बल्ब की संख्या है, N क्या है आपकी, बल्ब की संख्या, तो N का मान हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा, I1 को नीचे रख दें, तो I1 को नीचे रखते ही 10 गुणित हो गया तुम्हारा 220, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितने बल्ब हुए, 110। तो N का मान आ गया 110। तो 110 बल्ब आप पार्श्व क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप 110 बल्ब को पार्श्व क्रम में संयोजित कर सकते हैं। फोर्टीन देखते हैं। दो ओम का तो प्रतिरोध है, यानी आर, है ना। तो दो ओम में ही शक्ति चाहिए आपको, है ना। दो ओम के प्रतिरोध में शक्ति निकालनी है, तो सबसे पहले तो 6 वोल्ट की बैटरी के साथ आपके 1 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, ठीक। तो हम क्या करें, धारा निकाल लेते हैं, धारा निकाल के इससे गुणा कर देंगे, तो इसकी शक्तियों की तुलना कीजिए। 6, तो आई स्क्वायर आर, शक्ति को अपन क्या इस्तेमाल कर लेंगे, पी बराबर आई स्क्वायर, और किसमें निकालनी है, 2 ओम में, हर बार 2 ओम के अंदर ही शक्ति निकालनी है। अब बस धारा मिल जाए इस सर्किट में, हाँ ठीक है। तो आई का मान कितना हो जाएगा, 6/3, है ना, क्योंकि 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 2 + 1 3 ओम हो गया, ये आपका 2 ओम हो गया,
तो यहाँ पर दो का मान रखते हैं, दो का वर्ग चार, चार दूनी आठ, वॉट लिख दिया। तो ये मैंने अभी आपके सामने इसमें निकाल लिया कि फर्स्ट पार्ट में 2 ओम पर जो शक्ति का मान है वो कितना आया, 8 वाट। अब चलो इधर आते हैं, 4 वोल्ट की बैटरी से 12 और 2 का पाशकम संयोजन किया है। तो ये अपन ने 4 वोल्ट की बैटरी बनाई, उसमें फिर उसके पार्श्व क्रम में 2 प्रतिरोध लगा दिए, एक है 2 का और एक है 12 का। तो धारा निकालना इस केस में भी, धारा जाएगी आपकी तो इसमें तो शक्ति ऐसे भी निकाली जा सकती है क्योंकि सामंतर क्रम में है ना, तो जितना इसमें इतना विभवांतर उसमें और उतना उतना ये वाला, तो P बराबर V² / R लगा दो सीधा सीधा, तो कितना विभवांतर आ रहा है इस 2 ओम के अक्रॉस, चार, चार का वर्ग कितना होगा 16 और 2 ओम प्रतिरोध तो है ही, तो इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 8 वाट आ जाएगा आपका। तो दोनों में समान आ रहा है भैया, तो सामांतर क्रम में क्या होगा कि दोनों में आपके प्रतिरोध, सॉरी दोनों प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान होगा। तो बस विभवांतर वाला सूत्र याद कर लो, तो 2 ओम के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, सेल के बराबर 4 चौक 16, 4 का वर्ग, और खुद इसका प्रतिरोध कितना है 2, ये लीजिए हो गया। क्योंकि 2 ओम में ही आपको शक्ति निकालनी है इसलिए हमने ऐसा किया है। तो 14th क्वेश्चन के लिए ये आप जरा नोट कर लें। पंद्रहवा सवाल लेते हैं, उतार लीजिए आप लोग। पंद्रह सवाल में दो लैंप या बल्ब हैं जिनमें एक की रेटिंग ये है, यानी उस बल्ब पे ये लिख रहा है 100 वाट 220 वोल्ट और दूसरे पे 60 वाट 220 वोल्ट, पाश क्रम में संयोजित हैं। लीजिए ये मैंने बना दिया मेंस की लाइन, विद्युत आपूर्ति 220 ही है, ये पहला बल्ब है, ये तुम्हारा दूसरा बल्ब है। तो ये पहला बल्ब वही 100 वाट वाला, ये दूसरा बल्ब 60 वाट वाला, तो वोल्टेज दे रखी है और वोल्टेज है ही सी 220 220, तो इससे क्या होगा, इनमें इनकी धारा पता चल जाएगी, I1 और I2 मिल जाएगी। तो I1 का मान कितना हो जाएगा भाई, शक्ति और ये दे रखी है ना, तो सूत्र क्या है, P बराबर VI, तो I का मान हो जाएगा P/V, तो I1 हो गया 100 बटा 220। ऐसे यहाँ पर I2 कितना हो जाएगा, 60 बटा 220। बस अब ये जितनी भी धारा निकली, देखो यहाँ ये I2 ही कहाँ से निकली, यहीं से तो निकली I1 + I2, समझ रहे हैं। तो 220 वोल्ट के स्रोत से निकलने वाली धारा कितनी होगी, I1 + I2, तो इसको और इसको जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 160, नीचे कितना हो जाएगा 220, 0 से 0 काट लो, 2 8 16, 2 11 22, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 8 बटा 11 एम्पियर। बता दिए इसको, 15वां क्वेश्चन था ये। अब हम करने आ रहे हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा, 250 वॉट का TV जो 1 घंटे चला,
या 120 वाट का विद्युत हीटर जो सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट बेटा कितना हो जाएगा, 1/6 घंटा ना, क्योंकि 10/60 से भाग देंगे घंटे बदलने के लिए, ठीक है जी। तो दोनों की यूनिट सेम रखेंगे, ये भी घंटे में है तो उसको भी घंटा कर देंगे। तो टीवी का लिए देखिए, टीवी 1 घंटे तक चला तो 250 गुणित 1 ये हो गया तुम्हारा वाट आवर, टीवी ने इतना बिजली खाई क्योंकि वो 1 घंटे तक चला। फिर है तुम्हारा हीटर, तो हीटर जो है उसकी कितनी है शक्ति, 220, और कितनी देर चला है, सिर्फ 1/6 घंटा, तो ये तुम्हारा कितना करेगा 20, ये लीजिए, तो वो है 250 वाट आवर, और इसमें जबकि 20 वाट आवर, तो कौन ज्यादा ले रहा है, टीवी ज्यादा ले रहा है इसके लिए, तो फिर तो टीवी जो है उसका हीटर से ज्यादा है। तो दोनों की यूनिट समान बना ली भाई, इसको 1 घंटा चलाया तो 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटा चलाया, तो टीवी में ही ज्यादा ऊर्जा खत्म हुई। सत्रहवां क्वेश्चन, ऊष्मा की दर निकालनी है, तो यानी वही क्यू बाई टी या एच बाई टी समझ लो, यानी ये वो शक्ति हो गई कुल मिलाकर, क्योंकि दर जब भी लिख जाएगा मतलब समय से भाग देना, तो ऊष्मा की दर यानी कि एच बाई टी, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लेने में फायदा है, क्यों, धारा भी दे रखी है और प्रतिरोध भी दे रखा है, समय का कोई कुछ नहीं करना क्योंकि दर पूछ लिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का वर्ग गुणित प्रतिरोध 8, बस इसको गुणा कर लें, 15 का वर्ग कितना होता है 225, उसको 8 से गुणा कर लें, पीछे वाट की यूनिट लगा लें, तो ये सब आपके न्यूमेरिकल थे, सवाल थे जो आपके अभ्यास में दिए गए थे, तो आपको 1 से लेकर 17 तक सॉल्व कर दिया है। कुछ इंग्लिश और हिंदी में कुछ कन्वर्जन में गलती है, क्योंकि इंग्लिश वाली किताब में थोड़े से संख्या या यूनिट अलग है, हिंदी में थोड़ी सी अलग है, वो चलता है, मेन पर्पस हमारा लर्निंग सीखने का होना चाहिए, ठीक है। फिर भी कोई किसी तरह का डाउट हो तो आप हमको अपने चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और अगले टर्न पर या तो चुंबकीय क्षेत्र शुरू करेंगे या फिर इसके भी कुछ एक क्वेश्चन और लेने होंगे तो वो हम ले लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।